दोस्तों आपने इंटरनेट कॉलिंग के बारे में तो कई बार सुना होगा या फिर आपने कई बार इंटरनेट कॉलिंग की भी होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे होती है तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इंटरनेट कॉलिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान ज्योति, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आपको इंटरनेशनल कॉलिंग करते हैं तो वो बहुत महंगी होती है, इसलिए आप कई बार इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए आप कई बार इंटरनेट कॉलिंग का भी काम में लेते हैं क्योंकि इंटरनेट कॉलिंग बहुत सस्ती होती है। कारण ये कि जैसे ही आप अगर किसी वॉइस कॉलिंग भी विदाउट इंटरनेट की करते हैं तो वो आपके बीच में जो कई सारे ISP मिलकर उसको प्रोसेस को पूरा करते हैं, मगर जो इंटरनेट कॉलिंग है उसमें ऐसा नहीं होता। मान लो आप इंडिया में हैं, आपके पास जियो, BSNL या फिर किसी एयरटेल की और अलग कंपनी की सिम है, तो आप जैसे ही उसके बाद वॉइस कॉलिंग करते हैं तो वो डेटा सीधा आपकी जो आप जिस कंपनी की सिम का मिल रहे हैं या फिर जिसका इंटरनेट का मिल रहे हैं उसके पास वो डेटा जाता है, वहाँ से वो सीधा डेटा सेंटर में जाता है जिस भी कंपनी आप सॉफ्टवेयर का ले रहे हैं। मान लो अगर आप WhatsApp से वॉइस कॉलिंग कर रहे हैं या फिर Google Hangout से वॉइस कॉलिंग करिए तो फिर वो डेटा जाएगा सीधा WhatsApp या फिर Google के डेटा सेंटर में। और उसके बाद जो आप अगर इंटरनेशनल कॉलिंग कर रहे हैं तो सामने वाला देश जहाँ से वो किसी भी नेटवर्क का इंटरनेट का ले रहे हैं वहाँ से उसके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। आप सोच रहे हो इतनी दूर से इंटरनेट इतना फास्ट काम कैसे करते हैं, मगर जो समुद्र में जो केबल डली हुई है उनके जरिए ये बहुत फास्ट हो जाता है, जिसके कारण आप बहुत अच्छी सी तरीके से वॉइस क्वालिटी ले सकते हैं। ये होते हैं इंटरनेट कॉलिंग। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि इंटरनेट कॉलिंग कैसे काम करती है। जैसे आप यहाँ पर कुछ बात करते हैं वो इंटरनेट के थ्रू अगले स्मार्टफोन में पहुंच जाती है। ये होती है इंटरनेट कॉलिंग प्रोसेस। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।